माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करती हूँ। समस्त मंच पर विराजित साहित्य मनीषियों को मेरा प्रणाम और जो माँ वसुंधरा के आंचल में विराजित साहित्य सुधी प्रेमी जन हैं उनको बारंबार अभिनंदन प्रणाम और नमन करती हूँ। बात करते हैं आज के इस विमोचन पे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने खूबसूरत कालजयी रचना पुस्तक का आज यहाँ विमोचन हुआ और हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उन्हें पुनः बधाई देते हैं। यहाँ मैं किसी समीक्षक की दृष्टि से नहीं वरन एक पाठक की दृष्टि से अपनी बात कहूँगी, क्योंकि जहाँ पर इतने विद्वत जन समीक्षक बैठे हैं वहाँ समीक्षा मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं बाल साहित्यकार हूँ, लेखन में भी अभी मेरा बाल रूप ही है। तो सुनिए एक पाठक की कलम से निकले शब्द इस पुस्तक के लिए। रोम रोम में बसी तीन तीड़ी सी यादों का ज्योति पुंज मेरी ईजा, मेरे संपूर्ण जीवन विचारधारा जीवन मूल्यों व्यवहार धार्मिक प्रवृत्ति को सर्वाधिक प्रभावित यदि किसी ने किया है तो वह है मेरी ईजा। अपनी माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा समर्पण के भावों के साथ ही जीवन मूल्यों की परख करते लेख किए मनोभाव अत्यंत प्रभावोत्पादकता आदर्शोन्मुखी रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है इस अनूठी संस्मरणात्मक पुस्तक मेरी ईजा में। सद्य प्रकाशित कृति मेरी ईजा मात्र लेखक की लेखनी से निस्तृत कोरे कागज पर हर दर हर कलम की शायरी से उकेरे शब्दों का मात्र भावात्मक रूप से लिखित दस्तावेजों का सजीव पुस्तकीय स्वरूप ही नहीं होकर मन आत्मा प्राण और शरीर के रोम रोम में समाहित उन तमाम स्मृतियों का दोहराव है जिन्हें यदि जीवन से विलग कर दिया जाए तो शरीर बिना आत्मा सा या यूं कहूँ कि नीरस उत्साहहीन उमंगहीन निश्चेत हो जाएगा तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने जीवन में सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और हमेशा नैतिक मूल्यों उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना का भाव एक सच्चे साहित्य सृजक के हृदय की उपज ही हो सकते हैं। वह स्वयं भी हमेशा मानवीय मूल्यों के संवाहक पोषक होते हैं और नवीन पीढ़ी में सत संस्कारों के हस्तांतरण हेतु कृत संकल्पित होकर नव सृजन के भावों को जन्म देते हैं। ऐसे ही बिरले अनूठे व्यक्तित्व के धनी कहानीकार उपन्यासकार पाती मुहिम के वर्णेता डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, जो मानवीय संवेदनाओं अनुभूतियों भावनाओं की तीव्रता जीवनादर्शों तथा नैतिक मूल्यों रिश्तों की गर्माहट सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों रोक नीति परंपराओं लोक संस्कृति के सजीव चित्रण युक्त भिन्न भिन्न रंगों से सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित माला में मनोभावनात्मक व मनोविश्लेषणात्मकता के भावों से मजबूत रेशमी डोर में बांध अपनी सदी हुई कलम की कसावट के ताने बाने को सुंदर शिल्प सौंदर्य के भावों में पिरोकर समाज के समक्ष एक सुवासित गुलदस्ते प्रस्तुत करते हैं। उनकी सौरम से समाहित जगत महक उठता है और उनकी सौरभ पराग कणों से कालजयी स्वरूप में लोगों के उर में अमिट छाप छोड़ने में सामर्थ्यवान होती है। इसका मूल कारण जननी और जन्मभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा समर्पण और स्नेह भाव की बलवती भावना है। मुझे हृदय के असीम गहराइयों से यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर नेगी द्वारा सृजित व संपादित समस्त रचना संसार का पाठ की रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पापा फिर कब आओगे, वसीयत, रिश्तों की आंच, नियति चक्र, ये कैसा रिश्ता, सांध्य पतिक उपन्यास और अब संस्मरण विधा पर पुस्तक मेरी ईजा। अधिकांश उपन्यास अन्य भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। नियति चक्र उपन्यास का राजस्थानी भाषा में माँ भगवती की कृपा से भगत रो फेर नाम से करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। आपके साहित्य सृजन पर शोध कार्य हो रहे हैं। आप द्वारा चलाई पाती मुहिम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अनूठी पहचान स्थापित कर चुकी है और इस विधा पर लगभग 12-13 पुस्तकें प्रकाशित ही नहीं प्रचारित भी हो चुकी है। सदैव की भांति इस बार की कृति भी अपनी विशिष्ट विषय वस्तु के कारण पाठ की दृष्टि से स्रावित रस का पूर्ण अमृत पान किए बिना पाठकों के हाथ से नीचे उतरने को कतई तैयार नहीं थी।
सचमुच पाठ के मन को कृति पढ़कर संतोष मिला। बचपन में खाई नारंगी की गोलियों के समान खट्टी मीठी स्मृतियों से युक्त पुस्तक पाठकों के मन में शब्दों के पठन के साथ साथ ही चित्र बिंब बनाते हुए उन्हें कभी घर तो कभी नोहल्ले, कभी नदी तो कभी कैलाश पर्वत और जन्मभूमि नेकाना और देवभूमि के दर्शन करवाती रही। पाठक कभी आम तो कभी जामुन के पेड़ के नीचे विश्राम पाता तो कभी गिवाई के साथ समय व्यतीत करता हुआ उसके हृदय विदीर्ण अंत पर चित्कार उठता। कभी पाठक सुरजी चैला के बचपन की स्मृतियों के साथ ईजा बाजू अम्मा बुबू के साथ ही अनेक उन मीठे रिश्तों संग उनकी उंगली थामे चलता हुआ उनसे आशीष पाने को आतुर होता तो वहीं पहाड़ी लोक जीवन लोक संस्कृति के सजीव चित्रण से उसका मन मयूर सा झूमने लगता। सामाजिक सांस्कृतिक और भावात्मक साहचर्य की त्रिवेणी पर आधारित ये नवीन कृति वर्तमान समाज में भटकाव की ओर उन्मुख नवीन पीढ़ी के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में असरदार होगी। प्रश्न उठता है कैसे, तो जो पाठक स्वयं इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो वो इसे पढ़े। निश्चित रूप से आपके जिज्ञासु मन को बहुत कुछ जीवनोपयोगी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बात शुरू करते लेखक की अपनी बात से तो उसमें निहित पंक्तियां भावुक पाठकों के नयन कलशों में बाढ़ लाने का सामर्थ्य रखती है। जैसे बचपन को हम जीवन का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, परंतु समय की विडंबनाओं के समक्ष ये भी शत प्रतिशत खरी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सब नसीब नहीं होता कि बचपन होता क्या है। छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का एहसास न जाने कब बचपन को चुरा ले जाता है, इसका उस बाल मन को पता ही नहीं चलता। इंसान कुछ देर के लिए खाना पीना छोड़ सकता है, अच्छी वस्तुओं का त्याग कर सकता है, अभावों में भी जी लेगा, बस शर्त यही है कि उसकी भावनाओं संवेदनाओं को समझने वाला कोई हो जो उसे ये एहसास दिला सके कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू आगे बढ़। सच सुनहरे भविष्य के सपने देखना और मन में खुशी के अरमान संजोए रखना तभी तक संभव है जब तक सिर पर किसी का वरदहस्त हो जो कह सके तुम चाहे जितने सपने देखो मैं पीछे हूँ, चिंता ना करो। लेकिन जैसे ही वह साया सिर से उठ जाता है सभी सपने और मन में संजोए गए अरमान पल भर में धराशायी हो जाते हैं। इन चंद पंक्तियों का ये कड़वा सत्य वही महसूस कर सकता है जिसने इस पीड़ा को अंतर्मन से भोगा हो। सच ही है जिसकी बिवाई फटी होती है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। इन पंक्तियों में समाहित पीर नगराज हिमालय से पिघल गंगा जमुना सी आंखों से बह निकली मात्र 11 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन सुरजी के जीवन में ममत्व भरा प्यार वात्सल्य का बाजू बूबू अम्मा रूपी महासागर एकदम से सूख कर कालकलित हो गया और तक्षण ही शुरू हुई नन्हे बालक की अपनी इज्जा सहित संघर्षयुक्त जीवन की अग्रिम यात्रा। इस सतत चलती विकट यात्रा में वटवृक्षी ईजा अपनी सघन छाव तले लेखक का पालन पोषण करने लगी। वह स्वयं एक योद्धा की भांति बाहरी दुनिया से संघर्ष करती और जीवन में आने वाली तमाम परिस्थितियों में ढाल बनकर अपने चेहरे के विषाद भरे भावों को प्यारी स्मित से मुस्कान लिए कहती तू तो फिक्र न कर सब ठीक छो। इतनी महान होती है जननी, पर आज की इस भौतिकवादी संवेदनशील समय में जहाँ धन की चकाचौंध से भौतिक उन्नति के वशीभूत यदि नव पीढ़ी ने सबसे पहले किसी की उपेक्षा करी है तो वह है जननी और जन्मभूमि। ये पुस्तक कुल 25 अध्यायों में शीर्षकात्मक रूप से सज्जित है। प्रत्येक शीर्षक अपनी विशिष्ट विषय वस्तु से युक्त है। हम तो चले परदेश से शुरू होकर वो 5 दिन पर खत्म इन यादों की मंजूषा में जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगी छटा बिखरी हुई है। बचपन में पचपन का सफर 5-6 साल के अबोध सुरजी या यूं कहूं कि घुटने चलते बालक से लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी का जन्मभूमि पर बिताया जीवन का बेशकीमती काल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम तो चले प्रदेश में पढ़ाई के लिए घर छोड़ने की मजबूरी के दर्द की इतनी तीव्र वेदना व टीस इसमें समाहित है जो उस प्रत्येक पाठक की आत्म में नमी लाने में सक्षम है जिन्होंने किसी कारणवश अपने घर को छोड़ा होगा। घर से किसी की भी विदाई का बड़ा कारुणिक दृश्य होता है। माँ की आंखों में संतान के विचों में झरझर झरते अश्रुकण
बाल मन में माँ और मातृभूमि को छोड़ते वक्त उठते भविष्य को लेकर अनगिनत अनिश्चितताओं भरे प्रश्नों के साथ उन पहाड़ी नवयुवकों की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे बाबुल के घर से विदा होती बेहुली की, जिसे खुद नहीं मालूम कि वह वापस कब अपने बाबुल के घर आएगी जहां वह अब तक अधिकार पूर्वक रहती थी। लेखकीय संवेदनशील मन अक्सर अपने मन की व्यथा प्राकृतिक उपादानों से कर बैठता, यहां भी प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। लेखक अपने मन और जीवन संघर्षों की व्यथा कथा अनेक बार चांद तारों पहाड़ नदी वृक्षों से करते जीवन में उपयोगी आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु मासी या चौखुटिया जाने पर पड़ने वाला बड़ का पेड़, गंधेरे, सड़क, पगडंडी, उद्यान, पेड़, हिसालू, किलमोड़ तो हुआ करते, जिनसे अपने संघर्ष के विषय में बतिया लिया करते थे और उनके स्पर्श मात्र से उनमें एक नई ऊर्जा संचरित होती थी। इस जैसे विदाई के भावुक क्षण बेहद मार्मिक और लेखक का अनुभूत सत्य कि रह रहकर ईजा का आंसू से भेगा चेहरा और थरथराती आवाज मेरी आंखों और कानों को हमेशा गांव में ही केंद्रित रखती। जब मेरे पास कुछ न था सिवा ईजा की आंखों में देखे गए सपनों के और गांव से विदा करते समय ईजा द्वारा कंपकपाते हाथों को सिर पर रखकर मुझे आशीष देने के। ईजा मेरी दोस्त, मेरी आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर नेगी जी की ईजा के महनीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़कर मैं उन्हें शत-शत नमन करती हूँ। उस पुण्यात्मा को जिन्होंने जीवन में ईश्वर प्रदत्त अनेक विपत्तियों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए अपने बच्चों में सत्संस्कारों का अनुकरण किया। ऐसमय पति सास ससुर का साथ छूटने पर मासूम बच्चों की परवरिश वह भी कठिन पहाड़ी जीवन में बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। उनकी जीवंतता और जज्बे को सलाम। उन्होंने एक आदर्श परिवेश के साथ परवरिश के साथ अपने बच्चों का जीवन दर्शन का भी उन्होंने ज्ञान कराया। ईश्वर आराधना का मूल मंत्र दिया, जो विपत्ति में अपने जब सब साथ छोड़ दें तब आप ईश्वर का सच्चे दिल से स्मरण करो, वो आपकी मदद करेगा। कोई भी कर्म करो ईश्वर हमेशा देखता है। जीवन दर्शन अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। भूखे को भोजन कराने में जो तृप्ति मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ईजा ने जीवन में सिखाया प्रत्येक जीव में आत्मा निवास करती है, हमें उसे दुखाना नहीं चाहिए। इस जगत में हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। श्रद्धा और विश्वास किसी भी रिश्ते की पहली और आखिरी शर्त है। डर इंसान के भीतर है, जितना तुम डरो वो तुम्हें डराएगा, उससे भागो मत, उसका सामना करो, डर पीछे हट जाएगा। ये वास्तव में बहुत बड़े जीवन के दर्शन के शब्द इसमें समाहित हैं। जीवन में कैसी भी परेशानियों धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढने का प्रयास करो। ईजा साहित्य गुरु भी जिन्होंने पहली बार गुरु पर लिखने की ललक जगाई और बाद में हमेशा लेखक को लेखन के लिए प्रेरित करती रही। उन्होंने कहा किताबों में जीवन का रहस्य छुपा है और किताबें इंसान की सच्ची हितैषी और मित्र होती है। देखो जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते चलना, कैसे भी विपत्ति आए घबराना मत और ईमानदारी का दामन न छोड़ना। अपने विद्या मंदिर और गुरुजनों के प्रति भी लेखक की असीम श्रद्धा समर्पण देखिए। विद्यालय प्रांगण में पांव रखते ही मानो उन सब कष्टों, दुखों, दुश्चिंताओं और अनिश्चितताओं का हरण स्वतः हो जाता है और ईजा की तरह स्कूल की पावन धरती भी ये समझने लगती है कि घबराओ मत, दुख हमेशा स्थायी नहीं रहते। लेखक की उदारता इस बात से परिलक्षित होती है कि उनके गुरुओं के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा रही। उन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय से लेकर सभी गुरुजनों के नाम व आदर सहित पुस्तक में स्थान दिया और शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा शिक्षा केवल ज्ञान चक्षु ही नहीं खोलती अपितु इंसान में करुणा, जीवन मूल्यों, सदाशयता, संवेदनशीलता, सत्संस्कार जैसे मूल्यों में भी सहायक होती है। कितनी सुंदर बात लिखी है रचनाकार ने कि यादें हमारी सच्ची धरोहर होती है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, नहीं कोई दूसरा उन्हें देख सकता है। हमारा भूतकाल हमारी स्मृतियों में आकर ठहर सा जाता है जो हमें दूर तक ले जाने में मानसिक संबल प्रदान करता है। बचपन में बचपन का एक एक पल लेखक ने अत्यंत सजीव रूप से पुस्तक में संजोया है। अपना बाल्यकाल, स्कूली जीवन की प्रत्येक गतिविधि, श्रुतलेख, सुलेख लेखन, पुस्तकों पर जिल्द न चढ़ने तक बिना खाए पिए रहना, शिक्षण सामग्री और आवश्यक सामग्री की खरीदारी हेतु कठिन पहाड़ी पगडंडियाँ, प्रार्थना सभा, गुरुजनों के संस्कारी उद्बोधन, वृक्षारोपण, प्राथमिक विद्यालय की पांचवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा और उसके साथ ही अभी तक अपने रोल नंबर का याद रखना एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही स्कूल की साज सज्जा, बचपन के खेल, सितोलिया, गुल्ली डंडे, गुटे गुड्डियों, बाघ बकरियों का खेल, रात में अग्निकुंड के पास हरू सिंह की वीरता व राजुल मालूशाही की प्रेम कथाएं,
किससे कहानियाँ सुनना और सुनाना मनुष्य की सबसे सुखद अनुभूति के पलों की मिठास भरी यादों की मंजूषा में समाहित रहता है। इंसान की यही स्मृतियाँ उसे अपनों की स्नेहिल ऊष्मा का एहसास कराती है। उसके अपने आप उसके साथ सह शरीर भले ही ना हो, पर उनके होने का आत्मीय एहसास, उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा, उनका ममता युक्त स्नेह से पूर्व संचित स्पर्श की मीठी स्मृतियाँ इंसान को वक्त बेवक्त टूटने से बचाती है। जन्मभूमि के प्रति अगाध आस्था, उस पावन भूमि का कर्ज उतारने का सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं होगा। भी कैसे अपनी माँ के कर्ज से उरण हुआ है भला कोई रचनाकार ने, या अपनी जन्मभूमि को देवभूमि सा शब्दावत किया है। विद्या मंदिर की चुटकी भर मिट्टी को अपने जीवन में उच्चस्थ भाव प्रदान किया, हर मौसम और ऋतुओं का अनुपम चित्रण है। प्रकृति में घुली बासंती बयार और खेतों में फैली सरसों, चीड़ के पेड़ों से उड़ता पीत रंग सदैव स्वागत की भूमिका में तैयार। चीड़ देवदार के पत्तों से हिलने से कानों में आती मधुर ध्वनि, पगडंडी के सहारे चलते गाय बैलों के गले में बंधी घंटियों की रुनझुन मानो एक राग छेड़ रही हो। पेड़ों पर बने घोंसलों में पक्षियों की मीठी चहचहाट व आसमान में सुदूर उड़ते पक्षियों का कलरव, सियारों की आवाज, घुघुकती का आकर पूर्वजों की याद दिलाना, कोयल की मीठी कूक, पहाड़ी गीतों की मधुर ध्वनियाँ, रोपाई कटाई के समान समय मधुर गीतों के स्वर, नौले पर पानी भरने जाती पनिहारियों की कतारें और लयबद्ध स्वर का सम्मेद गायन, हिसालु किलमोड़ बाजनी आम्बुरास के फूलों का सुंदर वर्णन, बहते झरने, पहाड़ों पर रात्रिकालीन सुदूर टिमटिमाते बल्ब, चीड़ के चिलुक जलाकर रोशनी करना, नदी में नहाना, ये सब वहाँ के परिवेश की सजीवता प्रकट करते हैं। लोक परंपराएं, लोक संस्कृति जो एक समाज की आत्मा होती है, उस पर इस कृति में बेहद सूक्ष्म दृष्टि से कलम चली है। एक अन्वेक्षक के रूप में लोक संस्कृति का एक एक पल यहाँ साकार हुआ। पहाड़ों का कष्टप्रद जीवन, हाड़ तोड़ मेहनत, रूह कंपाने वाली ठंड, सब भूल कर पहाड़ी लोग बस रंग जाते हैं मेलों के रंग में। जहाँ भी नजर दौड़ाओ बस कौतियारों का रेला ही दिखाई देता है। नगाड़ों, दमों और रण सिंह से निकली गगनभेदी भेरी स्वर लहरियां उन लोगों में एक नया जोश भरने का काम करती है। वहीं रंग बिरंगे परिधान पहन स्त्री पुरुष अलग अलग झुंडों में लोक नृत्य जोड़े झांचरी छपेली करते हुए आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। सच है खुशी पास में आना ही पर्याप्त नहीं, उसका दिल खोलकर स्वागत करते हुए जीना भी आना चाहिए। मेलों का सजीव चित्रण करने के साथ ही लेखक ने मानव आस्था के प्रतीक भोमिया थान, शिवालय, देवी थान तो कत्यूरों के थान में जाकर मन्नतें मांगना, मंदिरों में प्रसाद भंडारे, देवी आस्था के साथ लोकगीतों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में प्रत्येक अवसर पर गीतों भजनों की गूंज, मौसम ऋतुओं के आधार पर लोकगीतों की सरस मिठास जीवन में सरसता का संचार करते हैं। तीज त्योहारों के अवसर पर नव पीढ़ी के पलायन के बाद बुजुर्गों के आंगन का सूनापन महसूस होते ही आंखों में उतरती नमी का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। जहाँ दर्द है वहाँ उमंग और उत्साह भी देखते बनता है। फागुन पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण यौवन सहित अपनी समस्त रश्मि पुंजों के साथ नेकाना गांव में आकर होली की मस्ती में शामिल हो जाता है। होली पर अबीर गुलाल से न केवल चेहरे रंगे जाते हैं अपितु सभी के मन में भी खुशियों के रंगों से रंग जाते हैं और लोग सारे कष्ट भूल जाते हैं। बसंत पंचमी फूल संज्ञान मिठोली परंपरा का विशेष महत्व है। हरेला भेजने की सुंदर प्रथा भी यहाँ वर्णन है। प्रदेश में अपने प्रिय जनों को लिफाफे में शगुन के अक्षर, पीठिया और हरेला लिफाफे में मातृभूमि के आशीर्वाद स्वरूप भेजना लोक परंपरा का एक विशेष हिस्सा और खूबसूरत एहसास। पर्वत पुत्र हलधर के जीवन के संघर्ष को बखूबी दिखाया है, साथ ही लेखक द्वारा हल नहीं चला पाने की अधूरी मंशा भी प्रकट हुई है। एक किसान खेत में खड़ी फसल को देखकर मन ही मन खुश होता है, वह फसल उसकी पूंजी होती है। लोक वाद्यों में बांसुरी पर लेखक भाव विभोर उठते हैं, उनकी बूबू की बांसुरी की मीठी तान उनके तन मन को भिगो देती है। कहने का अर्थ बांसुरी से उठती मीठी तान उनके अतीत की मीठी यादों में समाहित है। ईजा की स्मृति में गाए जाने वाले लोकगीत यू आयो रंगीलो चेत ने भी निश्चित रूप से उन्हें भावात्मक रूप से भाव विभोर किया। माँ के स्नेही स्पर्श से वह अपने कष्टों दुख लोगों की भर्सना अभावों का दंश पल भर में भूल जाते हैं। मुझे पुस्तक पढ़ते हुए कई बार पहाड़ी संस्कृति और लोक संस्कृति में समानता महसूस हुई, शायद ये हमारी अखंडता, हमारी भारतीय संस्कृति की अखंडता का ही एक भाग है। इस कृति में आंचलिकता की मिठास भरी है जो अनेक रिश्तों में महसूस होती है, जैसे ईजा, बाजू, अम्मा, बुबू, कैंजा, ढुलीजा, चैली, चैला, बहुली। साथ ही हम वहाँ के पकवानों से परिचित होते हैं, उनका स्वाद कलम के माध्यम से हम बार बार पाते रहते हैं। पढ़ते पढ़ते हमने आलू के गुटके, भट्ट की दाल, गडेरी के गुड्डे, गुटके, मडुए की रोटी, बेड़ू की रोटी और अनेक जगह अनेक पकवानों का लुफ्त उठाया।
लेखक को कालांतर में गांव नेकाना जाते समय पहाड़ी संस्कृति में परिवर्तन के फलस्वरूप आए नकारात्मक बदलावों पर गहरा दुख महसूस हुआ। आजकल तो शहरी अपसंस्कृति के अनचाहे आगाज से गांव की आबोहवाओं में मिलावट होती जा रही है। पलायनवादी संस्कृति के बढ़ते प्रभावों से वृद्धावस्था के यथार्थ का मार्मिक चित्रण। लेखक ने बहुत बार इस पीड़ा को महसूस किया कि उन्हें अपनी जन्मभूमि, आम का पेड़, जामुन का पेड़, विद्यालय, वो मीठे एहसास भरे पल जैसे पुकार रहे हों। इसी अपनत्व की भावना से प्रेरित होकर स्वयं ने गांव में जर्जर मकान का पुनर्निर्माण करवाया और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। विद्यालय में सरस्वती मंदिर और परिवार को अपनी पहाड़ी संस्कृति से रूबरू कराने का सुंदर प्रयास किया। उनके इस नेक प्रयास में साक्षी और सहभागी बने जसोत सिंह जी, हीरा सिंह जी, किशोर सिंह जी, सभी जितने भी हैं उनको सभी को नमन। डॉक्टर मीना सिरोला जी, जिन्होंने लेखक के जीवन में न केवल एक धर्म पत्नी का कर्तव्य बखूबी निभाया वरन इससे भी बढ़कर उन्होंने मौन साधिका सी सतत अपनी क्रियाशीलता से लेखक की लेखनी को संबल प्रदान किया, अपने कुल परंपराओं की अखंडता को बनाए रखने में मदद की। सचमुच एक कामयाब पुरुष के जीवन में सदैव एक स्त्री का हाथ माना जाता है, परंतु डॉक्टर नेगी जी पर भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ दो मात्र शक्तियों का हाथ रहा, एक ईजा और दूसरी मीना जी। मैं चाहूंगी इस बात पर आप ताली बजाएं। बस दो मिनट और। दोनों के सहयोग ने आपको समाज में एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाने में मदद करी। पुस्तक का आवरण पृष्ठ बहुत खूबसूरत पहाड़ी संस्कृति से रूबरू मनमोहक, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर पढ़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो मेरा प्रश्न था, नेगी जी ने उसका उत्तर दे दिया, इसीलिए अब मैं सर के इस उत्तर से हूँ कि ईजा, उन्होंने एक अपनी मात्र ईजा का फोटो इसलिए लगाया ताकि जब जब हम पढ़े हम सबको अपनी ईजा सामने नजर आए। तो ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि हमने बहुत जगह ये महसूस करा कि वो ईजा नहीं और हमारी माँ भी हमसे वो सब कह रही है। भाषा शैली प्रांजल, माधुर्यपूर्ण संवाद शैली, पात्रानुकूल मुद्रण छपाई सब उच्च स्तरीय। डॉक्टर नेगी जी की नवीन कृति साहित्य समाज और पहाड़ी संस्कृति को जानने पहचानने में कालजयी साबित होगी। यह कृति साहित्य मंडल के आभा मंडल में तीन तारों से अडिग और अचल रहेगी। आप आकाश में देखिए, आपको तीन तारे हमेशा अचल और अडिग देखेंगे, उसी तरह ये कालजयी रहेगी। समाज की नव पीढ़ी में हमेशा संस्कारों के बीजारोपण करती आपकी लेखनी, जो हमेशा चीर चिरंतन सत्यता पर आधारित है, इसी कारण पाठकों के सीधे हृदय पर असर छोड़ती है। मेरा अटूट विश्वास है कि ये कृति भी अपने अंतर्निहित उद्देश्यों पर सदैव सफलता का परचम लहराएगी। बहुत कुछ कहना बाकी रह गया, पर मैं अंतिम लाइन में यही कहूँगी कि मैं सुधी पाठकों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब इस पुस्तक को पढ़ें। जितना मैंने कहा उससे आप न मालूम कितने गुना ज़्यादा पाओगे। धन्यवाद।